नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रीनक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स, जी हाँ, वो भी कॉस्टली। सबसे सरल तरीका है महंगे प्लांट्स पाने का, वो भी इजली। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। दोस्तों, टिकोमा का, इसको जो है गोरी चोरी भी बोलते हैं, ये देखिए, ये प्लांट में फूल गुच्छों में आते हैं और इसको आप कटिंग द्वारा भी लगा सकते हैं। अगर कटिंग नहीं लगती आपसे तो ये देखिए, इसमें जो है फली बनती है और इसको जब फली सूख जाए, ब्राउन हो जाए, उसको फिर आप कलेक्ट कर लीजिए और सैंडी सॉइल में आप इसको जो है जनरेट करिए। फर्स्ट क्लास प्लांट होता है दोस्तों ये। तो इस तरह से इसको कलेक्ट करके आप कास्टली प्लांट्स खरीदने से बच सकते हैं। तो इस फली को तोड़ना होगा, आपको मिट्टी में लगाना होगा, फिर ये आपके पास बेबी प्लांट हफ्ता 10 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये है मैंडविला का, जी हाँ, इसको मैंडविला वाइन बोलते हैं। ये भी कॉमन 3-4 कलर आपको मिल जाएंगे हर नर्सरियों में। नर्सरी में ये आपको एक प्लांट्स 150 रुपये के लगभग मिलेगा और इस प्लांट्स में फूल जो है भर भर कर आते हैं। इसको आप, इसमें भी सीड बनते हैं, इसको भी आप कलेक्ट कर लें तो आपको प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इजली टू ग्रो प्लांट होता है दोस्तों सीड द्वारा ये, बल्कि कटिंग आप लगाएंगे तो कटिंग उतनी बढ़िया नहीं चलती है। क्लेमेटिस वाइन, जी हाँ, ये 3-4 कलर में मिलते हैं और इसको आप लोग बड़े ईजिली ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। कहीं भी आप जाते हैं, अगर आपको ये प्लांट दिखते हैं तो आपको इनमें सीड बनती है, धीरे से चुपके से कलेक्ट कर लेनी है और ले आ करके अपने घर में वेल ड्रेन मिट्टी में, सॉइल में इसको ग्रो करना है। इजली ये ग्रो हो जाएंगे और आपके पास ये प्लांट बड़ी आसानी से बन जाएंगे। ये कास्टली प्लांट्स होते हैं, ये जल्दी नर्सरियों में मिलते भी नहीं हैं। तो जहाँ भी आप ये प्लांट्स देखें तो इन पौधों की सीड को कलेक्ट कर लें। इजली टू ग्रो होने वाला ये पौधा है और ये 3-4 कलर में मिलते हैं आपको। मई जून में ही थोड़ा सा इनमें डोरमेंसी आती है, बाकी ये 7-8 महीने फर्स्ट क्लास चलते हैं बढ़िया और फूल रंग बिरंगे देते रहते हैं, जिससे आपको जो है बगिया में फूल मिलते रहते हैं और आपकी बगिया हरी भरी रहती है। तो दोस्तों, इन प्लांट्स के सीड्स को कलेक्ट करना ना भूलें, जहाँ भी मिले चुपचाप ले लीजिए और ला करके ग्रो कर दीजिए। इजली फर्स्ट क्लास ये चलेंगे और आपके पास फ्री में ये ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन प्लांट्स के सीड को आप ज़रूर कलेक्ट करें और कलेक्ट करके रख भी लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है दोस्तों रात रानी, जी हाँ, ये देखिए, रात रानी में भी फूल के बाद इस तरह से सीड्स बनते हैं। आप इसको जैसे ही मसलेंगे तो देखिए, इसमें से ब्लैक कलर की सीड्स निकलेगी और ये देखिए। तो इसी को आपको कलेक्ट करना है और इजली टू ग्रो करना है। आप चाहें तो कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं, मगर सीड से तो 110% चांस रहेगा लगने का प्लांट का। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगा। प्लांट है दोस्तों अपराजिता का, जी हाँ, इस प्लांट के बारे में ये कहा गया है कि अगर आप ये प्लांट घर में लगाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा आएगी और आपके जो है सभी काम जो है बन जाएंगे बिगड़े। ये दोस्तों, इस प्लांट में ये सीड इस तरह कलेक्ट होती है, इसकी फली बनती है, इसी को आप जो है प्रोपोगेट करिए और नया प्लांट बड़ी आराम से आप इजीली टू ग्रो कर जाएंगे। ये अपराजिता 3-4 कलर में आपको मिलेगी, पिंक, वाइट और ब्लू। दोस्तों, एडेनियम का, ये देखिए, इसमें भी सीड बड बनते हैं। ये कास्टली प्लांट्स है और इसको जो है आप नर्सरी में खरीदेंगे तो कम से कम 100 रुपये के आसपास छोटा प्लांट मिलेगा आपको 2 महीने का। तो ये सीड्स को आप कलेक्ट कर लें। सीड्स को कलेक्ट करने के लिए पहले इसमें टेप लगा दें, क्योंकि ये सूख करके फट जाता है और इसके जो सीड्स है उड़ जाती है, तो इसको बचा लीजिए। जहाँ भी आपको ये फली मिले सूखी हुई, इसको ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए।
और ईजिली टू ग्रो होता है ये प्लांट सीड्स के द्वारा, और फिर आपको दोबारा ये प्लांट खरीदने तो परिजात का ये देखिए परिजात, इसको हर सिंगार भी बोलते हैं। इसमें फूल सफ़ेद आते हैं, पॉइंट बेस पे जो है ऑरेंज कलर का होता है, अब बहुत ही भीनी भीनी खुशबू होती है इसमें दोस्तों। इसको भी सीड द्वारा कलेक्ट करके आप प्रोपगेट कर सकते हैं। जी हाँ, फूल जब सूख जाता है तो बाद में इसमें सीड बनते हैं, पहले हरी होती है, फिर ये ब्लैक होती है ब्राउन, फिर इसी को आप कलेक्ट कर लीजिए तो फर्स्ट क्लास आपके पास प्लांट तैयार हो जाएगा। आप चाहे लगाएं, चाहे दोस्तों में बांटें, रिश्तेदारों में बांटें, ये आपको डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप जहाँ देखें इसकी सीड्स को कलेक्ट करें, इजिली टू ग्रो होने वाला ये प्लांट है सीड द्वारा, और फर्स्ट क्लास ये चल जाएगा। प्लांट है दोस्तों कनेर का। जी कनेर हाइब्रिड हो या देसी हो, दोनों आप कटिंग्स लगा तो सकते हैं, मगर सीड से 110% चांस रहता है। देसी तो कटिंग से लग जाएगा, मगर हाइब्रिड कटिंग से जल्दी नहीं लगता है। तो हमारे जो बिगनर भाई हैं, जो नई नई गार्डनिंग शुरू करे हैं, वो अगर सीड्स कलेक्ट कर लें इसका, इसमें राउंड सीड्स बनते हैं बड़े गोल, तो उसको आप रख लीजिए, सूख जाए उसको फिर सीडलिंग करिए प्रोपोगेट, तो इजिली टू ग्रो होता है ये प्लांट। तो दोस्तों इस प्लांट को आप जहाँ भी देखें उसकी सीड्स को कलेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास प्लांट ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फ्री के ऐड होने वाले प्लांट हैं जो कि कास्टली भी हैं। एक बात और दोस्तों, अपने पेट्स और बच्चों से इस प्लांट्स को दूर रखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ऑक्सीटी प्लांट है दोस्तों मधुकामिनी। दोस्तों नर्सरी में आपको 150 रुपये के आसपास ये प्लांट मिलेगा। इस प्लांट में भर भर कर फूल आते हैं और इस फूल की खुशबू भीनी भीनी रहती है, और इसमें भी जो है सीड्स बनते हैं छोटे, पहले जो हरे रहते हैं, फिर लाल होते हैं, फिर काले पड़ जाते हैं, और आपको उसी सीड्स को कलेक्ट करना है। सीड्स द्वारा आप इजीली टू ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को, और इस प्लांट के लगने से ये फ़ायदा होता है कि मधुमक्खियां और कीट पतंगे इकट्ठे होते हैं, जिससे आपके जो है जितने भी फल वाले प्लांट हैं उसमें ज़्यादा फल लगने के चांस रहते हैं परागण के द्वारा। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, और ये सालों साल फूल देने वाला पौधा है का। जी हाँ, सदाबहार, और देसी हो या हाइब्रिड दोनों में जो है सीड बनते हैं, सीड पॉड लगते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अगर आपसे कटिंग नहीं लग रही है तो इसको सीड्स को कलेक्ट करिए, इजीली टू ग्रो प्लांट है ये, और एक बार आपके पास प्लांट ये हो जाएगा फिर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा फूल खिलेगा, इस तरह बड़ सीड्स बनेंगे, और इसी से आप कलेक्ट करके प्लांट को जनरेट करते रहें। ये 12 मास फूल खिलने वाला प्लांट है, लो मेंटेनेंस केयरलेस प्लांट है ये, बिगनर भाई हमारे इसको ज़रूर लगाएं। अगला प्लांट है दोस्तों गोमफ्रेना का। दोस्तों ये फूल ऐसा होता है काफ़ी दिनों तक ही खिला रहता है, और ये लो केयरलेस मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना है इसको, फूल को ही जब सूख जाए उसको जो है इंचिंग करके मिट्टी में डाल दीजिए, फिर ये प्लांट बन जाता है। तो इस प्लांट को भी आप नर्सरी से ना खरीदें, कास्टली प्लांट्स होता है ये भी, 3 से 4 कलर में ये आपको मिल जाएगा। अगला प्लांट है दोस्तों चाइनीज़ बैल्सम। दोस्तों ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है, इसमें 4 से 5 कलर के मिलते हैं फ्लावर, और दोस्तों इसमें सीड्स बनते हैं। आप इसको सीड्स कलेक्ट कर लें तो आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नर्सरी में अगर आप ये ख़रीदना चाहेंगे तो आपको 50 रुपीज़ के आसपास ये प्लांट्स मिलेगा एक कलर का, और अगर आप इसकी सीड्स कलेक्ट करते हैं तो आपके पास तमाम प्लांट्स हो जाएंगे, आपको दोबारा कभी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है, अगला प्लांट है दोस्तों इम्पेशन का। दोस्तों ये भी हैंगिंग बास्केट का नंबर 1 प्लांट है, पिटूनिया के जैसे फूल होते हैं इसमें, इसमें भी सीड्स बनते हैं, तो आप इसको कलेक्ट कर लें और इजिली टू जनरेट करिए सॉइल में, फर्स्ट क्लास रिजल्ट निकलेगा आपको, और आपके पास तमाम प्लांट्स बन जाएंगे, दोबारा फिर आपको ये कास्टली प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे जो बिगनर भाई हैं जिनसे कटिंग नहीं लगती है, वो इस प्लांट्स के सीड्स को कलेक्ट करें और अपने बगिया में ऐड करें, क्योंकि ख़रीद कर तो प्लांट सभी ला सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों लैंटाना का। दोस्तों इस प्लांट में भी देखिए सीड्स बनती है फ्लावर सूखने के बाद, तो इस प्लांट को ना खरीदें, कटिंग लगा सकते हैं मगर कटिंग का चांस नहीं रहता, 50% चांस रहता है, और इस तरह से सीड्स कलेक्ट करिए, ब्लैक हो जाती है, फिर इसको आप जो है जनरेट कर लीजिए,
इजिली टू ग्रो प्लांट है ये, और नर्सरी में लेना चाहेंगे आपको तो 100 रुपये के आसपास ये प्लांट्स मिल जाएगा। और ये रोड साइड आपको प्लांट बहुत मिले होंगे, अब लगते हैं ये, तो वहीं से आप सीड्स कलेक्ट कर लीजिए, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों डोरंटा का, इसकी पत्तियां सेटदार होती हैं और इसमें फूल छोटे आते हैं और इसके फल जो हैं देखिए ऑरेंज कलर के होते हैं, इसके बाद ये ब्लैक हो जाएंगे। आप इसको सीड को कलेक्ट करके आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट की कटिंग लगे ना लगे कोई भरोसा नहीं है, मगर सीड तो 100% ग्रो होगी। तो इस प्लांट के सीड्स को कलेक्ट कर लीजिए। अगला प्लांट है दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी का। मॉर्निंग ग्लोरो भी 3 से 4 कलर में मिलते हैं और ये सुबह 9 बजे खिलते हैं और 4 बजे तक ये फूल इसका ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों इसमें भी सीड्स बनते हैं। अगर आप प्लांट नहीं ले पा रही, आपके एरिया में प्लांट नहीं मिल रहा है, तो आप इसको सीड्स से कलेक्ट करें, इजिली टू ग्रो करें सॉइल में, और आपके पास फर्स्ट क्लास प्लांट ये बन जाएगा। दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर बहुत प्यारा लगता है और इसको अपने रेलिंग पे या गेट के ऊपर चढ़ा दीजिए तो बहुत ही फर्स्ट क्लास लगता है दूर से। तो इस प्लांट का जो प्लांट है दोस्तों बेबी सनरोज हैंगिंग बास्केट्स का नंबर 1 प्लांट माना जाता है और ये 3 से 4 कलर में होता है। ये इजिली टू ग्रो होता है कटिंग से भी। अगर आप कटिंग नहीं लगा पा रहे हैं, आपको नॉलेज उतना कम है, तो आप इसके सीड्स को कलेक्ट करें और इजिली टू ग्रो करें सॉइल मिक्स में लगा के, और अपने पास प्लांट को ऐड करें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट इसको कहा गया है। अगला प्लांट है दोस्तों तुलसी बेसिल। इसको बहुत से नाम से जाना जाता है, इसको हर्बल में भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसकी मंजरी में सीड्स बनते हैं, आप इसको कटिंग द्वारा ग्रो कर सकते हैं सॉइल में भी पानी में भी। अगर आप इन दोनों से भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके सीड्स को कलेक्ट करें इस तरह से और सॉइल में डाल दीजिए, हल्की सी मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए, 10 दिन में नए प्लांट आपको दिखने लगेंगे, फिर आप उस प्लांट को लगा लें। तो इस तरह से आप इस प्लांट को ऐड कर सकते हैं अपने बगिया में। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत महक वाला होता है प्लांट। दोस्तों इस पैरागस फर्न कांटों वाला पेड़ है, मगर ये हरियाली इतने रहती है कि मई जून की गर्मी भी ये झेल लेता है। और इसमें भी ब्लैक सीड बनते हैं, पहले हरी होती है फिर लाल उसके बाद ब्लैक, और इसके प्लांट जहाँ हो वहाँ से सीड कलेक्ट कर लीजिए। गेंदा मेरी गोल्ड, इसको जो है आप कटिंग द्वारा भी लगा सकते हैं, कटिंग को आप सॉइल में भी लगा सकते हैं, कटिंग को आप पानी में भी लगा सकते हैं। अगर आप दोनों से नहीं लगा सकते हैं तो ये इसके सूखे हुए फूल को इस तरह से पिंचिंग करके मिट्टी में दाब दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, फर्स्ट क्लास जनरेट होगा और आपको बहुत सारे फूल मिल जाएंगे 10 दिन में प्लांट। तो फिर उस छोटे बेबी प्लांट को आप निकाल करके कहीं भी लगाएं, पूरी बगिया भर दीजिए आप। अगर आप नर्सरी में ख़रीदते हैं तो आपको छोटा पौधा आपको 15 से 20 रुपये मिलेगा, तो आप खुद ही इसकी सीडलिंग करिए और प्लांट ढेर सारे बनाएं। दोस्तों अगला प्लांट है दोस्तों थूजा मोरपंखी, या इसको विद्या का प्लांट भी कहा जाता है दोस्तों। और इसमें सीड बनते हैं ये देखिए इस तरह से, तो आप इसको कलेक्ट करें, जब इसकी सीड्स ब्राउन हो जाए तब इसको आप सीडलिंग करें सॉइल में। इजिली टू ग्रो होता है क्योंकि ये सीड इसकी बहुत हार्ड होती है, आपको 1 से 1.5 महीने में इसमें जो जनरेट मिलेगा नए पेड़ का छोटे, तो आप निराश ना होएं, इसको सीड्स को लगाएं, इजिली ग्रो होता है। कटिंग लगती है नहीं लगती, मगर सीडलिंग ये आराम से हो जाएगी आपकी, फर्स्ट क्लास ग्रो करिए। ये महंगा प्लांट होता है, कॉस्टली, और नर्सरी में कम से कम आपको 70-80 रुपये के आसपास से प्लांट्स मिलेगा। तो जब आपके पास सीड्स का माध्यम है तो आप कटिंग क्यों लगाएं। इसके बाद दोस्तों आता है स्वीट नीम। जी हाँ, इसको करा पत्ती भी बोलते हैं, हर्बल में बहुत यूज़ होता है, खाने में किचन में इसकी पत्तियाँ यूज़ होती है। देखिए इसके सीड पहले जो है हरी होती है, फिर लाल, फिर उसके बाद ब्लैक हो जाती है। जब ब्लैक हो जाए तो उसको आप जो है कलेक्ट करके मिट्टी में दाब दीजिए और उसमें प्लांट बन जाएगा छोटा। अगर आप चाहें तो कटिंग से भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगती आपसे कटिंग से तो इस तरह से सीड इकट्ठा करिए, डाल दीजिए मिट्टी में सॉइल में और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। 10 से 12 दिन में आपको छोटे बेबी प्लांट दिखेंगे, तो आप उसको निकाल के कहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों तुलसी का पेड़ आप घर में ज़रूर लगाएं, ये प्योर ऑक्सीजन भी देती है और हर्बल में काम भी आती है, बहुत फ़ायदेमंद प्लांट होता है ये, फर्स्ट क्लास ग्रो करिए आप और लोगों में बांटिए, खूबसूरत प्लांट्स लगाएं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कल मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आप अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।